दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कई सारी रहस्यों का उल्लेख किया गया है और हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया 10 अवतारों के बारे में ज़्यादातर हमें यही पता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के अवतारों और रूपों का अलग अलग उल्लेख किया गया है। अवतार यानी वो कुदरती के कालखंड के अनुसार लिया जाता है जो सिर्फ धरती पर लिया जाता है। रूप यानी वो जो धरती के बाहर होते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के भी बाहर बताया गया है। जिस तरह से भगवान शिव के 3 रूप होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, उसी तरह से भगवान विष्णु के 3 रूप होते हैं। लेकिन ये सब भगवान के रूप अलग अलग आयामों में निवास करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, हमारे ब्रह्मांड के बाहर कितने आयाम होते हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में 10 आयाम होने की बात की गई है। जिस आयाम में हम रहते हैं वो तीसरा आयाम होता है, 3D, जिसे कहा जाता है। चौथा आयाम समय होता है, जिसके बाहर हम नहीं जा सकते। आयाम पर भी एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 3 रूप कौन कौन से हैं। दरअसल आज हर हिंदू अपने धर्म ग्रंथों की पूरी जानकारी नहीं रखता और ज़्यादातर को इतना ही पता है कि अनंत महाशक्ति के सिर्फ 3 ही रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन ये पूरी जानकारी नहीं है। परम सत्य परमात्मा 10वें आयाम में निवास करते हैं, जो बिना आकार रंग रूप के हैं, उन्हें ही सदाशिव या अनंत शक्ति भी कहा जाता है। लेकिन इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए सत्य परमात्मा ने कई भागों का निर्माण किया है और इसी से भगवान विष्णु भी इस सृष्टि में भगवान विष्णु के भी 3 भाग बताए गए हैं। महाविष्णु यानी कन्नौद कसाई विष्णु, गर्भोद कसाई विष्णु और प्रसिद्ध कसाई विष्णु। इन 3 भागों का अपना अलग अलग कार्य होता है, जिसे महाविष्णु 6ठे आयाम में ऊर्जा और तत्व का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसीलिए महाविष्णु को महातत्व कहा जाता है, जबकि गर्भोद कसाई विष्णु भी 6ठे आयाम में निवास करते हैं। लेकिन उनका कार्य अलग होता है, क्योंकि उनसे ही ब्रह्मा का जन्म होता है। जैसा हमारे पुराण में बताया गया है, गर्भोद कसाई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है और फिर ब्रह्मा ही ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जबकि विष्णु के 3रे भाग का विरोध तथा विष्णु हमारे 3 आयामी संसार में ही निवास करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड के हर तत्व और परमाणुओं में विलीन है। इसीलिए जब हम साधना करते हैं तो पहला दर्शन क्रोध कसाई विष्णु को ही महसूस करना होता है, जिससे हम ज्ञान को समझा पाते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल आपका यही होगा कि फिर हमारे सृष्टि क्या है? तो इसका जवाब हमें ऋग्वेद से मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि सृष्टि सिर्फ एक माया है, जिसका निर्माण भगवान विष्णु ने ही करवाया है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे भगवान विष्णु ने अपने दिमाग में एक रचना की हुई है, क्या हम इसे भगवान विष्णु का सपना कह सकते हैं? इसीलिए हर ब्रह्मांड का समय अलग अलग होता है और हर 3 आयामी प्राणी इसमें फंसे हुए हैं। और श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में हमें यही समझाने की कोशिश की है, यह संसार ही सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक
माया है और हमारा कार्य उस माया से बाहर आना है। जब महाभारत में भी अर्जुन कौरवों पर वार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपने भाइयों और परिवार पर वार नहीं कर सकता था, तो श्री कृष्ण ने उसे वो दिव्य दृष्टि दी थी जिसे उसने 10वें आयाम में विराट को देखा। इस तरह अर्जुन भी माया को समझ पाया। तो यही भगवान विष्णु का कार्य है, इस बौद्धिक सृष्टि को चलाए रखना। माया का निर्माण किया गया है, जब माया में संतुलन बिगड़ता है तब भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। जैसे हम अपना कंप्यूटर खराब होने पर से इरेज करते हैं या नया कंप्यूटर बनवाते हैं, इसी तरह से भगवान अपना अलग अलग रूपों को अलग अलग कार्य देते हैं और ये सब ऐसे ही व्यवस्थित होता है। यही पर ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको आयामों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।